हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको पता है कि सेंटअप एग्जाम होने वाला है और सीबीएसई वाले हैं तो उसको अक्टूबर में एग्जाम होना है, यानी कि जो मिडिल टर्मिनल एग्जाम जो होता है ना, हाफ टर्मिनल एग्जाम, वो होने वाला है। एंड बिहार बोर्ड वाले या अलग बोर्ड वाले फाइनल एग्जाम से पहले उनका बोर्ड जो है एक सेंटअप एग्जाम लेती है, यानी कि तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेंटअप एग्जाम की तैयारी कैसे करें एंड अपना पूरा बेस्ट कैसे दें, अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अगर आखिर तक देखना, बहुत ही मजेदार की वीडियो बनने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेंटअप एग्जाम होता है क्या। देखिए, सेंटअप एग्जाम जस्ट लाइक जो मेन एग्जाम होगा, जो एनुअल एग्जाम होगा, उसी का जस्ट एकदम किया धरा होगा। जिस तरह से आपका एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, सेम उसी प्रकार सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जिस जो सिलेबस होगा एनुअल एग्जाम का, उसी तरह का सिलेबस देगा सेंटअप एग्जाम में। हाँ, पिछले बार ऐसा हुआ था कि सेंटअप एग्जाम में कुछ और था सिलेबस और फाइनल में कुछ और हो गया, क्योंकि कोरोना वोरोना चक्कर में थोड़ा सा सिलेबस का आगे पीछे हो गया था, ठीक है ना। लेकिन इस बार तो जो आपका सिलेबस पिछले साल का है वही सिलेबस रहेगा, सेंटअप एग्जाम में भी वही रहेगा और आपको फाइनल एग्जाम में भी वही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब ये क्या है, प्री एग्जाम जो बोलते हैं ना, प्री एग्जाम, एग्जाम से पहले जो अपना रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है, बस जस्ट लाइक वो सेंटअप एग्जाम होता है, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार का एग्जाम है, टेंशन नहीं लेना, नो टेंशन, फेल तो कोई नहीं होगा, इतना लो सबके सब पास होगा, ठीक है ना। अपनी परीक्षा, अपनी मेहनत जांचने के लिए कि आप रियली में कितना परसेंट पढ़ चुके, कितना परसेंट बना रहे हो, वहां पे आप अपने आप को खुद आंक सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखो इसका डेट की बात करते हैं, तो 12th का जो एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन 12th वाला जो एग्जाम इंटरमीडिएट, उसका तो डेट आ गया 19 अक्टूबर से, तो मैट्रिक का भी डेट 19 अक्टूबर के बाद आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में अगर एग्जाम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सितंबर में कंफर्म है कि डेट आ जाएगा, ठीक है, सितंबर में कंफर्म डेट आएगा। तो जो भी डेट आएगा उसमें आपको एग्जाम दिया जाएगा। पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न वही होगा जो आपके पिछले एग्जाम में सवाल आया था, एंड पेपर में भी दिया था कि आपका जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, 2022 में सेम पैटर्न पे एग्जाम होना है। जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना सब्जेक्टिव है, आपको पता अच्छी तरीके से उतना ही एग्जाम देना है, ठीक है। सेंटर, सेंटर कहाँ रहेगा, तो खैर कहीं जाना नहीं है, आपका जो स्कूल है ना एकदम वही सेंटर रहेगा, जहां पे आपका नाम लिखा हुआ, जहां पे आपका नामांकन है, जहां पे आपका एडमिशन हो रहा हुआ, वहीं पे एग्जाम होना है। बहुत आसानी से एकदम एकदम घर की तरह एग्जाम दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। सेंटर एग्जाम देने में कहीं जाना नहीं है। लेकिन एक सवाल बता, सर ये क्या मस्ट है, क्या एग्जाम देना जरूरी है, क्या नहीं देंगे तो कोई दिक्कत है? ऐसे तो अक्सर अब तक 2 या 3 बार सेंटर एग्जाम हो चुका है, तो अभी तक सुने नहीं है कि कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है ना। और अगर आप माने कि अगर बिहार में है, यानी कि अपना एरिया में है, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, कि आप मौजूद है, दे सकते हैं, तो आप मस्ट दीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि देने से आप वहां पे क्या क्या फील कर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, कैसे रंग रहे हैं, वो मार्कशीट मिलेगा, रंगने का तरीका पता चलेगा, है ना। मतलब एक जो है रिहर्सल हो जाएगा कि हाँ इसी तरीके से एग्जाम मिलेगा, मतलब सेम आपको बैठाया जाएगा, है ना। हाँ, बैठने का कंडीशन अलग, सब तो अपना ही क्लास का बच्चा रहेगा, लेकिन आपको जो कॉपी मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम बोर्ड के जैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे आपको भरने का पता चलेगा, अरे कैसा सवाल पूछा जा रहा, चलो अब पता चलेगा कि हमने तैयारी कैसे की और सवाल कैसे आ रहा, तो आपको लगे हाँ अब हमको बेहतर से तैयारी करना है, तो ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आप नहीं है, किसी वजह से बहुत ऐसा है जो यहाँ नहीं है, कहीं और होगा, तो आप वहां का जो टीचर है, प्रिंसिपल है, उनसे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस क्या है, सिलेबस वही सिलेबस है ना जो आपने पढ़ा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मस्त है कि 33% आप लाइएगा तो पास हो जाएगा, एकदम आराम है। मतलब आपने अगर 33% बना लिया ना एक लेसन से, 33% समझ लो कि आप पास हो गए। अब यहाँ पे पास होते, सर सिलेबस तो अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ, सर क्या करें हम, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, प्रिपरेशन अभी तक किया नहीं, तो मंगनी में ले जाओ मेरी बात को, मंगनी में मैं बोल रहा हूँ, फ्री फ्री बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कि अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ ना, तो आप घबराइए मत। इस चैनल पे अगर आपने आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, कि मैं डेली यहाँ पे क्लास करवाता हूँ, और जो बच्चे यहाँ पे डेली कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता है कि चाहे सेंटर पे एग्जाम हो जाए, चाहे एनुअल एग्जाम हो जाए, मेरे चैनल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल एग्जाम देने के लिए पूरा एकदम रेडी है। तो आप कर क्या रहे, आप अभी तक लेट से आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको यहाँ पे डेली तैयारी करवा रहा हूँ। एंड जैसे कि अभी 19 अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, इसके बाद जो है
10 का आएगा, तो थोड़ा सा मतलब करीब देखा जाए 20-25 दिन टाइम है अभी क्लास 10 के लिए। तो आपको करना क्या, तैयारी कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे तैयारी करोगे। आपको सबसे पहले ना फोकस करना है किसको, ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, इसको पूरा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव भी बना लिया है ना तो 33% एकदम आसान है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ 2 नंबर वाला कम से कम सब्जेक्ट फोकस करना, क्योंकि टाइम अभी नहीं है, जो पढ़ लिए उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो ध्यान से देखें, ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करना है। उसके बाद 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव, इसको कंपलसरी कीजिए, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला कंपलसरी, 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 2 मार्क्स वाला कंपलसरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी 5 नंबर वाला अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये दोनों मिला के 33% कंप्लीट करवा देगा, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका मैथ है, साइंस है, सोशल है, हिंदी है, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको कंप्लीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सब पूरा हो जाएगा, ओके। और मैं यहाँ पे लगभग सबके सब ऑब्जेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ, डेली ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है, मैं कंटिन्यू सब्जेक्टिव का भी क्लास ला रहा हूं, तो आप है कहां, आप अगर यहां मौजूद है तो मेरे ख्याल से आपको ये सब बेहतर होगा, एंड आपको कोई डर नहीं है कि मैं एग्जाम दूं कैसे दूं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, समझ में नहीं आ रहा सर बहुत ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी आपका फाइनल एग्जाम है, कुछ डरना नहीं है पूरा, मतलब देखते हैं बहुत सारे एग्जाम में जाते ज्यादा लगता है पहली बार घर खेलने के लिए आया, अरे खेलने के लिए नहीं एग्जाम देने के लिए, आप जब स्कूल में जाइएगा तो देखिएगा क्या कंडीशन है, लगेगा कि यहाँ पे खेला हो रहा है ना ऐसा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो आप ना जब आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा सेम क्वेश्चन मिलेगा, एकदम सेम सेम क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अलग रहेगा, क्वेश्चन पेपर जो है ना एकदम सेम रहेगा। आपका जो ओएमआर शीट मिलेगा लगने के लिए, उसमें आपका नाम फोटो वगैरह हो सकता सटा रहे, अगर पूछे आप नहीं, अगर ओएमआर नहीं देगा तो फिर आपको कॉपी मिलेगा, 1 का A, 2 का B, 3 का C, ऐसे रंगे हो सकता है, वो स्कूल वाला पे डिपेंड है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे है जो नहीं भी करवाते सेंटर एग्जाम, बहुत सा है, बहुत से पास कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो खैर आई कांट से, लेकिन बहुत सारे स्कूल में है जो एग्जाम लेती है। तो आपको तैयारी कैसे करना है आपको पता आ गया, समझ में आ गया, आपको पास टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए सेंटर एग्जाम की तैयारी इतनी हार्ड से करो, इतनी मस्ती से करो, इतना जल्द करो, पूरा अपना बेस्ट लगा दो, ताकि ये तैयारी आपके एनुअल एग्जाम में काम आएगा, एंड आप जब 100% यहाँ पे आप अपना लगाते हो तो यही तैयारी सेंटर एग्जाम, कम से कम सेंटर एग्जाम के बहाने से तो फाइनल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और जब आप सेंटर एग्जाम की तैयारी करोगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, जो नया स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसका 50% तो आराम से तैयारी हो जाएगा। और आपका फरवरी में एग्जाम होना है ना, फरवरी में एग्जाम होगा तो बचेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना बचेगा, फिर 3 महीने में आराम से आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे, एंड जो आप सवाल बनाओगे उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे यूट्यूब पर दूंगा, है ना। तो आप चैनल पे जुड़ जाए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे डेली क्लासेस वगैरह चल रही, मैथ साइंस सोशल सब कुछ क्लासेस चल रही, ठीक है ना, बहुत फ्रीली तरीके से चल रही, एंड रात के 9 बजे की क्लास चलती है, तो आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे आने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मेरा सजेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर रियली में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, एंड आपको कुछ लगता है कुछ इसके बारे में कुछ सवाल आपके मन में पैदा हो रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खाली है, कमेंट बॉक्स उसमें जाके जल्दी से कमेंट करेंगे, एंड वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।